Co-powered by Techno. बिहार में वंचित समाज के बच्चों के लिए अलग से भी कई स्कूल खुले हैं ताकि वो भी पढ़ लिख सकें और समाज की मुख्य धारा में आ सकें। मूल स्कूलों के साथ साथ उन स्कूलों का संचालन भी सरकार ही करती है। ये विशेष स्कूल पूरे राज्य में वैसी जगहों पर खुले हुए हैं जहां वंचित समाज के लोगों की आबादी ज़्यादा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ऐसे सैकड़ों विशेष स्कूलों को भी सामान्य स्कूलों की इमारतों में मिला दिया गया। और दोनों को साझा रूप से चलाया जाने लगा। लेकिन अब बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के निर्देश पर इन स्कूलों को मर्जर से मुक्ति मिल गई है। राज्य के अपर मुख्य सचिव खुद ऐसे स्कूलों में बच्चों के बीच नजर आए। बच्चों को पढ़ाते हुए एस सिद्धार्थ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन विशेष स्कूलों को सामान्य स्कूलों में मिलाकर साझा रूप से इसलिए चलाया जा रहा था क्योंकि विशेष स्कूलों के लिए इमारतें बनाने के लिए जमीनों की कमी थी। बिहार शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के कार्यकाल में ऐसा हुआ था और सिर्फ भौतिक विशेषता को आधार बनाकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में चलने वाले ऐसे सभी भूमिहीन स्कूलों का मूल स्कूलों में विलय कर दिया गया था। भौतिक विशेषता का मतलब है कि उन स्कूलों की अपनी कोई इमारत है ही नहीं। हालांकि अब उनमें से कई स्कूलों को जमीनें मिल गई हैं जिन पर स्कूल बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी भी अधिकतर ऐसे विशेष स्कूल हैं जिन्हें सरकारी मानदंडों के अनुसार जमीनें नहीं मिल पाई हैं जहां स्कूल की इमारतों का निर्माण हो सके। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विशेष पहचान और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। वंचित समाज के बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए जिस विशेष ट्रीटमेंट की उन्हें जरूरत है उसे सिरे से नज़रअंदाज किया गया। स्कूलों के मर्जर की वजह से SC/ST बहुसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उन बच्चों के साथ पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा जिनका सामाजिक परिवेश उनसे काफ़ी अलग है। कहा जा रहा है कि सामान्य स्कूलों में पहले से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या न सिर्फ SC/ST बच्चों से बहुत ज़्यादा है बल्कि तथाकथित सामाजिक श्रेष्ठता की वजह से उनका वंचित बच्चों के साथ व्यवहार भी भेदभाव वाला है। ऐसे में SC/ST समाज के बच्चों को इस नए परिवेश में सामंजस्य बिठाने में दिक्कत हो रही है और साथ ही वो हीन भावना और अन्य समस्याओं से जूझने को मजबूर भी है। हालांकि बिहार शिक्षा विभाग के वर्तमान अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सभी जिलों से ऐसे स्कूलों के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। उनके आदेश पर ही वंचित बच्चों के ऐसे बहुत सारे स्कूलों को मूल स्कूलों से अलग कर दिया गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर कुल 2661 SC/ST स्कूलों का मर्जर कर दिया गया है जिसमें से 998 स्कूलों को अब अलग कर दिया गया है और साथ ही जमीनों की खोजबीन कर वहां स्कूल इमारत का निर्माण कार्य शुरू करने का भी निर्देश कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9। Co-powered by Techno.